हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरविंद केजरीवाल को आशंका, सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को भेजा जाएगा जेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि सत्येंद्र जैन के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन सूत्रों ने उन्हें बताया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी, उन्होंने ही अब कहा है कि मनीष सिसोदिया की बारी है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दो। फर्जी केस में अब मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में जेल भेजने वाली है। उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के अब तक के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने का काम किया है। मैं दिल्ली के 18 लाख सरकारी स्कूलों के बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके शिक्षा मंत्री भ्रष्ट हैं? मैं उनके परिजनों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको सिसोदिया करप्ट लगते हैं? उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोग कितनी भी रेट डाल लो, हम काम करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को मनीष डालते रहेंगे, कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी फर्जी केस बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डालकर ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में हो रहे अच्छे काम को रोकना चाहते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। केजरीवाल ने कहा कि मंत्रियों को गिरफ्तार करने से जनता के काम में बाधा आती है। उन्होंने कहा, मेरी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील है कि एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री और विधायकों को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी एजेंसियों को बोल दीजिए कि एक साथ सभी की जांच कर ली जाए। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, इससे जनता के काम में बाधा आती है। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।